और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहनत ढंग से नहीं कर रहे हैं, फिर भी सपना देख रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, उनके लिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सब चीज क्या है, आपको कहीं ना कहीं डूबा हो रहा है। क्यों डूबा हो रहा है, बहुत छोटे में आपको समझाऊंगा, समझना। ये जो वैलेंटाइन डे चल रहा है ना, क्या क्या होता है इसमें, स्लैप डे, टेडी डे, गिफ्ट डे, लसुन डे, आदि डे, क्या होता है ये सब चीज नॉर्मल समझिए। एक बात समझना, जितने भी जो मनाते हैं उसमें 80% जो लोग हैं, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो, 80% जो ऐसे लोग हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, आज के डेट में, आज के जनरेशन की बात कर रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं या जिनके पास जॉब नहीं है, 80% लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, ये हफ्ता मनाते हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो छोटी सी खुशी है ना, ये टेम्पोररी खुशी है। आप चाइना का देखिए ना खिलौना, चाइना का टॉयस खिलौना जो कुछ दिन चलता है टूट जाता है, वो इसी तरह है, इसी तरह है। इसको बोलते हैं टेम्पोररी खुशी, परमानेंट खुशी नहीं है। परमानेंट खुशी क्या होता है, जब आप रात रात भर जग कर, जब तक आप अपने लाइफ में अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते, अपने परिवार का बोझ अपने कंधे पर नहीं उठा लेते हैं, अपने पापा का, तब तक आप अपने जीवन में कामयाब नहीं है। और ये जो लोग हैं स्कूल वाले लोग जॉब नहीं करते हैं, ये इनके पास जॉब नहीं है, यानी ये जो भी गिफ्ट दे रहे हैं, कैडबरी दे रहे हैं, किसी और को खुश कर रहे हैं, लड़का चाहे लड़की, वो किनका पैसा है, मम्मी पापा का। इसीलिए माँ बाप इतने उम्र में आप होने के बाद आपसे उम्मीद लगाकर बैठा है, और आप उनके पैसा का क्या कर रहे हैं। एक नॉर्मल एक चीज समझो आप सभी, नॉर्मल अगर आपका जॉब लग गया ना, इसका मतलब उसको बोलते हैं परमानेंट खुशी, यानी आपका फ्यूचर सिक्योर। और वो परमानेंट खुशी आप जब तक जिएंगे तब तक उसके अपने आपके साथ साथ आपका परिवार भी खुशी रहेगा, आपको कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी, फिर आप हर एक चीज इंजॉय करेंगे, फिर वो चाइना का माल नहीं रह जाएगा, वो रह जाएगा आपका परमानेंट खुशी बोलते हैं। तो उसके ऊपर काम करना है। एक बात और सुन लो, नॉर्मल मान लो ये आपकी गर्लफ्रेंड है, या आप मान लो बॉयफ्रेंड है, और इधर क्या है आपका, इधर मान लो आपकी मम्मी है, पापा भी मान सकते हैं, मम्मी है। थोड़ा चीज गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन समझना आप एक चीज, आप कहां पर हैं अभी, ठीक है, ऐसे टीचर मुझे समझाना है चीज। मान लो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये मम्मी है, मान लो ना आपका अचानक आज मौत हो जाता है, आंख बंद कर मेरी बात को बहुत डीपली फील करना, मान लो आज आपका मौत हो जाता है, आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बॉयफ्रेंड कितना दिन रोएगा, कितना दिन रोएंगे बताओ, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना 1 साल, उसके बाद शादी होगा, भूल जाएंगे आपको, सच्चाई है भाई। जिंदा रहने के बाद भी लोग प्यार को भूल जाते हैं, ये सब उसके बाद शादी कर लेते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सच्चाई है। कोई कितना भी आज बोले मरने के लिए तैयार है सब, ये वो भूल जाता है एक दिन, समझ रहे। लेकिन मम्मी परिवार, जब जब कोई त्यौहार आएगा ना, जब जब कुछ आपके घर में त्यौहार होगा, खुशी का मौका आएगा, आपकी मां हमेशा आपको याद करेगी, हर एक त्यौहार में, हर एक त्यौहार में वो दुख जरूर रहेगी, आप अजमा लेना। यानी आंख बंद होने के बाद ये लोग कुछ दिन के बाद भूल जा रहे हैं, और जिनके पीछे हम खुशी देख रहे हैं, और जिनके लिए मुझे करना है सही मायने में पूरे मेहनत के साथ, जो मेरे लिए मेरे ना होने के बाद भी उनको सारा जिंदगी अफसोस रहेगा, वो हर एक त्यौहार पर, छठ पूजा हो, दिवाली हो, होली हो, सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी को होगा आज जीवन, जब तक वो जिंदा रहेंगे, इनको, और इनके लिए हम आज नहीं कर रहे हैं, हम कहां पर कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर बनाने का टाइम है, हम कर क्या रहे हैं आज के डेट में, थोड़ा सा पर टेम्पोररी खुशी पाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो आपको ये सब भूलना पड़ेगा, अभी ज्यादा का पूरा फोकस आपको अपने फ्यूचर पर रखना है, ताकि आप अपना भविष्य बना पाओ, समझ रहे हैं। क्योंकि अपने पापा का जो कंधा का बोझ है ना, उसको अपने सर पर, अपने कंधे पर रखना है भाई। क्यों? क्योंकि उनके कंधे का बोझ बहुत ज्यादा हो चुका है, उम्र हो चुका है उनका, आपका मन नहीं करता है कि पापा इतने दिन तक घर चलाएं, तो अब वो कंधा का बोझ अपने ऊपर ले और पूरे जीवन तक चलाए बिना शिकायत किए हुए, जैसे मेरे मम्मी पापा ने मेरा हर एक उम्मीद, मेरे परिवार का हर एक उम्मीद पूरा किए हैं, बिना चूक किए, बिना शिकायत किए हुए। तो अब वो पल आ गया है कि अब वो बोझ अपने कंधे पर रखे। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है और ये काम करते हैं, तो ये काम कम से कम आपको नहीं करना है।
अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना है कि आपको करना क्या, आपको कर क्या सकते हैं, आपको कितना पढ़ना है, कहां तक पहुंचना है, मेरा माँ बाप सपना मेरे लिए क्या देख रहा है, यह सब आपको सोचना पड़ेगा। कोई सोच कर नहीं देगा आप सभी को।